जय धर्मेश मैं चितरंजन राव आज ये जो नज़ारा देख रहे हैं और ये जो गाड़ी पूजा नया गाड़ी पूजा आज हमारे शरणा में और शरणा पूजा में कितना लोगों में विश्वास हो रहा है ये गाड़ी से ही पता चल रहा है कि पैसे वाला जरूर है और आज पैसे वाले धन दौलत वाले अपने पैसे लगा के काफ़ी दूर दूर तक चले जाते थे गाड़ी वगैरह पूजा कराने के लिए पर बहुत खुशी की बात है कि आज अपना सरना के प्रति और अपना सरना में पहाड़ के द्वारा जो पूजा किया जा रहा है प्रार्थना किया जा रहा है इसमें विश्वास किया जा रहा है और मान रहे हैं कि हमारा यही सब कुछ है सरना स्थान में ही सब कुछ है और सरना में ही हमारे धर्मेशाला माँ का आशीर्वाद है यहाँ से सब कुछ है आज हमारे जो पैसे वाले या पढ़ाई लिखाई करके पढ़ाई लिखाई करके अमीर और नौकरी चाकरी या बड़े बड़े अधिकारी वगैरह बन रहे हैं उनको भी शरणा धर्म शर्ना के प्रति शरणा स्थान के प्रति प्रेम और स्नेह हो रहा है आज बहुत खुशी और अच्छा लग रहा है कि आज हम सारे लोगों को चाहे अमीर है चाहे गरीब है चाहे जैसे भी है सारे लोग अगर हम प्रत्येक बृहस्पतिवार को शरणा में आते हैं और इसी प्रकार से माहौल बनाते हैं और इसी प्रकार से सारे लोग आएंगे तो सहजता से अपना समाज में संगठन होगा एकता होगा और अच्छा माहौल जब निर्माण होगा तो हमारी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके अंदर में भी अपने धर्म के प्रति अपने संस्कृति के प्रति एक जुड़ाव होगा और लगाव होगा आज हमारे पहाड़ लोग भी विश्वास कर रहे हैं और एक तालमेल के साथ में आ रहे हैं वो अपना पूजा पाठ कर रहे हैं अपना विनती भजन कर रहे हैं और जो प्रार्थना शर्ण प्रार्थना सभा के माध्यम से हमारे बहन लोग आ रही है तो उनके साथ में किस प्रकार से हम लोग तालमेल बैठा के चलना चाहिए पहले कुछ लोगों का या अभी भी कुछ लोगों का इस प्रकार से भावना है कि महिलाओं को सरना में नहीं चढ़ना चाहिए नहीं आना चाहिए पर आप पहाड़ लोग भी समझने लगे हैं कि अगर हम सरना में नहीं आते हैं तो या हमारे बहन लोग नहीं आती है तो एक हमारे समाज के प्रति जो जानकारी होना चाहिए समाज के प्रति जो एक संगठन होना चाहिए एकता होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा तो इस चीज़ की महत्ता को जानते हुए जो पहान है बेहतरीन तरह से पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आज हमें जितना भी शुभ काम है या गाड़ी पूजा वगैरह सारे लोग चरना में ही लाएं और पहान के द्वारा पूजा पाठ कराएँ विनती कराएँ और हम चाहेंगे कि पहले हम लोग बहुत सारे अन्य जगह पर जाते थे वहाँ पर क्या है उन्हीं लोगों का दुकान होता था उन्हीं लोगों से सामान भी खरीदो तो वो बाहर भी कमाते थे और अंदर भी दान दक्षिणा के माध्यम से कमाते थे पर आज हमारे अपने ही लोग पहान को चाहे आप कुछ दो या ना दो कभी भी मांग या डिमांड नहीं करते हैं वो सहज स्वभाव के पहले भी थे और अभी भी स्वभाव सहज ही है लेकिन जरूर गाड़ी पूजा वगैरह कराने वाले को कुछ न कुछ दक्षिणा देना चाहिए ताकि उनका भी पहानों का भी एक प्रेम और स्नेह रहे ये जो अभी कार का भी देखिए पूजा प्रार्थना अपने शरण स्थान जो तिगरा है यहाँ पर पहान खुद ही कर रहा है तो ऐसे ही पहानों को हर गांव में अगुवाई करना चाहिए और उन्हीं की अगुवाई से विनती भजन प्रार्थना और जो शक्ति है उस शक्ति को जान पाए और हम लोग को पहानों को इज्जत और मान सम्मान देना चाहिए धर्मेश की चुना हुआ या सरना माँ का जो चुना हुआ है वही अधिकारी है वही अधिकारी है किसी व्यक्ति के द्वारा पूजा प्रार्थना करने के लिए अधिकारी नियुक्त नहीं नि हुआ धर्मेश के द्वारा ही अधिकारी चुना हुआ हमारे पहान पुजारी गण होते हैं तो अगर ये थोड़ा भी पूजा पाठ प्रार्थना करते हैं तो उसका आशीर्वाद ही अलग है और उसका मिठास ही अलग है पर यहाँ पर हम लोग को पुजारी लोग को भी समझने की जरूरत है अपने अंदर में खाने पीने की शुद्धता पहनने की सुधरता सोच की सुधरता होना बहुत ज़रूरी है आज हमारे माताएं जो आ रही हैं उनसे भी चाहेंगे कि शरणा स्थान में अपना जो आते हैं वो लोग भी शरणा माँ से धर्मेश से अच्छी अच्छी बातें करें सुंदर सुंदर बातें को बताएं शरणा माँ को अनाप शनाप उल्टा सीधा या अच्छा ना लगने वाली बातों को नहीं बोलना चाहिए सुंदर बात करें अच्छा लगे और इसी तरह से सारे लोग आए हमारे क्या है कि धर्म स्थान खुला में होने के वजह से हम जो भी हरकत करते हैं वो दिखाई देता है तो हमको ऐसे दिखाई देना चाहिए ऐसे महसूस होना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी अच्छा लगे अपने लोगों को भी अच्छा लगे और सभी लोग को अच्छा लगते हुए एक अच्छा माहौल तैयार करेंगे तो सभी को आना मैं अच्छा लगेगा हमारे बच्चे बच्चियों जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं वो भी आएंगे तो हमारी हरकत को बहुत ही शुद्ध और पवित्र रखने की आवश्यकता है महान काम के साथ में महान समाज और सुंदर समाज का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने भाव में पवित्रता के साथ में एक पवित्र मन से सभी को एकजुट और संगठित और सुंदरता के साथ में काम करेंगे और हमारे समाज के जितने भी अगुवाई करना करने वाले या नेतृत्व कर रहे हैं उनके अंदर में भी अपने समाज के प्रति किस तरह से प्रेम हो किस प्रकार से अच्छाई हो और हम सारे शांत स्वभाव हो के शांत माहौल तैयार करने का प्रयास करेंगे और अपने आसपास जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भूत प्रेत वगैरह का जो बातें करते हैं यहाँ शरना स्थान में आने के बाद में कम से कम बातें करें और कम से कम उनका उच्चारण करें धनवेश से ही बातें करें शरनामा से ही बातें करें और शरना का ही बातें करें सुंदर बात करें पढ़ाई लिखाई की बातें करें और इसी प्रकार से आप लोग सारे लोग गाड़ी वगैरह पूजा है या कुछ भी हो वो ज़रूर सरना में लाएँ और सरना में लाने के बाद में हमें सभी लोगों को एक अच्छा माहौल के लिए हमेशा बातें करें हमेशा चर्चा करें हम दिखाएंगे कि हमारे सरना में हो क्या रहा है आज यूट्यूब के माध्यम से लाखों लोग ये सब वीडियो को देख के प्रेरित हो रहे हैं उत्साहित हो रहे हैं और आनंदित महसूस कर रहे हैं कि आज हमारा धर्म भी सरना है हमारा संस्कृति भी इस प्रकार से है हमारे पहाड़ लोगों में भी इस प्रकार से होना चाहिए तरह तरह के हमारे अंदर में एक अच्छा सोच उत्पन्न हो रहा है अच्छा सोच हमारे अंदर में पैदा हो रहा है आज बच्चों के ऊपर हमारे ऊपर भी एक पॉजिटिव सोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे मैं इतना ही बोलकर अपनी तो बात